गुड मॉर्निंग क्लास 10th. टुडे वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.4. हियर क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर. ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ शो दैट द रेशियो ऑफ बोथ द ट्राइंगल इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में डी ओ. ओके सो लेट्स सी टू प्रूव एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में डी ओ. ओके सो एज यू नो वेन एवर वी फाइंड एरिया सो वी नीड एनी परपेंडिकुलर लाइन एनी एल्टीट्यूड एक्सेट्रा. तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस पर एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. ओके और इसको नाम दे देंगे S एंड T. हमने दो एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर लिया. यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, AS इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड एज वेल एज DT इज परपेंडिकुलर ऑन BC. ओके नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल DOT. AOS DOT एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल DOT वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल ASO इज इक्वल टू एंगल DTO 90 डिग्री ईच. ओके सो देयरफॉर ट्राइंगल AOS इज सिमिलर to triangle DOT by angle-angle similarity. Okay. Now, we can say the ratio, it means AS upon me DT is equal to AO upon me DO. Okay. By CPST. Again, we will consider the triangles. We have to write here. Now, the ratio of the area of two triangles. Ratio. Area of triangle ABC upon my area of triangle DBC. As you know, area. What is area? Half into base. Base is BC into height. Height is AS. Okay. Upon my हाफ इंटू बेस, इसका भी बेस क्या है BC और हाइट DT. ओके तो BC से BC कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, आपका क्या आ गया AS अपॉन में DT से इक्वेशन टू फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AS अपॉन में DT. अभी आपने प्रूफ किया है कि AO अपॉन में DO के बराबर होगा, तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे AO अपॉन में DO, हेंस प्रूफ्ड. ओके आई होप यू गॉट माय पॉइंट. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन सेज इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट. ओके तो हम लोग मान लेते हैं वो दो ट्राइंगल कौन से हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके लिख लेंगे गिवेन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर ये दिया हुआ है. साथ ही साथ इसका एरिया भी बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू area of triangle PQR. Okay. Now, to prove, क्या प्रूफ करना है? Triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay. इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है. आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ. सबसे पहली चीज़ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल और ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर होंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, स्क्वायर होगा. ओके, सो वी कैन राइट हियर ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर. ये थियरम है, आप जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया का रेशियो उन सभी के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा. ओके, दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या है, गिवन. ओके, तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वन. ओके, तो अभी इन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को, तो हमें इस पूरी वैल्यू के बराबर क्या मिल जाएगा, वन. सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम वन एंड टू ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर. वन का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अभी सभी को कंपेयर कर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको वन से कंपेयर करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दूसरा मिलेगा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. आप देखें सेपरेटली ये सभी आपस में, तो सभी सेपरेट वैल्यू को वन से इक्वेट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, पी क्यू इधर जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर. ओके, तो ये हम लोगों ने रीजन्स निकाल लिए. अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके, सभी साइड्स को दिखा देंगे इक्वल, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर फ्रॉम इक्वेशन थ्री. ओके, फ्रॉम थ्री, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. आई होप यू गॉट द आंसर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.